नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संपूर्ण देश को लॉकडाउन कर दिया गया, जिसके बाद जहां सभी परिवहन व्यवस्था बंद हो गई तो रेलवे ने भी अपनी सेवाएं बंद कर दी। ऐसी स्थिति में अपने निवास स्थान से अन्य स्थानों पर जाकर कार्य करने वाले अथवा आवश्यक काम से बाहर होने वाले लोग रास्तों में फंस गए, जहाँ कुछ स्थानों पर उनके ऊपर कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट करने की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही थी। इसी को दृष्टि रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के आदेश निर्देश पर जनपद हापुड़ की जिलाधिकारी अदिति सिंह द्वारा हापुड़ परिवहन डिपो से बसें उपलब्ध कराते हुए यात्रियों को अपने गंतव्य के लिए रवाना कराया गया। इस दौरान परिवहन डिपो द्वारा बसों को पूर्ण स्वच्छता प्रदान करते हुए पूर्ण रूप से सैनिटाइज करते हुए जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया, तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए बसों से रास्ते में फंसे लोगों को अपने गंतव्य के लिए रवाना कराया गया। सड़कों पर पैदल जा रहे लोगों को जिला प्रशासन द्वारा बस उपलब्ध कराई गई, तो वहीं जगह जगह पुलिस प्रशासन द्वारा भोजन आदि की व्यवस्था भी कराई गई। सड़कों से पैदल अपने स्थान जाने एवं प्रशासन द्वारा बसें उपलब्ध कराए जाने की सूचना पर सामाजिक संस्थाएं एवं सामाजिक लोग भी पूरी आस्था व निष्ठा के साथ सड़कों पर निकल पड़े। इस दौरान कहीं सामाजिक लोगों द्वारा चावल का वितरण किया गया तो कहीं खाने के पैकेट और नमकीन बिस्किट का। इस व्यवस्था के बीच दमकल विभाग भी मानवता के तहत अपने कदम पीछे ना रख सका और हापुड़ दमकल विभाग द्वारा आपसी सामंजस्य के साथ धन एकत्रित करते हुए सड़कों पर पैदल एवं बसों में सवार होकर गंतव्य के लिए जाने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। नाम है मेरा जसवीर जी, क्या समस्या है, कहाँ से आप आ रहे हैं? पानीपत से आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। पानीपत कब चले थे आप? कब चले थे पानीपत से? कल चले थे शाम को। कितने किलोमीटर चल चुके हैं पैदल आप? 254। कहीं खाना मिला? नहीं मिला, यहीं पे मिला जी। किसी प्रशासन ने कोई मदद करी? नहीं करी जी। सब देखा, किसी ने कोई मदद की नहीं की? नहीं, किसी ने मदद नहीं की। कहाँ जाना चाहते हो? बदायूं जाना चाहते हैं। कितने किलोमीटर पैदल चल चुके हो? 254। क्या नाम बेटा, क्या नाम है आपका? चेंगी। कहाँ से आ रही है बेटा आप? कहाँ जाएंगी? घर। कितने आप भी पैदल चल रही है? हाँ जी। खाना मिला नहीं मिला कहीं? मिला। कहाँ मिला है? नहीं मिला। हापुड़ में मिला सिर्फ, और नहीं मिला कहीं भी? हापुड़ के लिए जो भी हैं वो इस तरह का यात्री है जो जाना चाहता है, उनके लिए तुरंत परिवहन सेवा सैनिटाइज कराने के बाद ही उनको उपलब्ध कराई जाती है और उनको फिर उसी तरह से उनको बैठाकर उनके गंतव्य तक भेजा जाता है। सेवा कल से ही बराबर लगातार उपलब्ध है और हमारे द्वारा वो जिला प्रशासन द्वारा CRC जो दिल्ली रोड पर एंट्री पॉइंट है हमारा, वहीं पर हमने अस्थायी बस स्टेशन बना रखा है, वहीं से बसें उपलब्ध है बराबर। तो सर किस किस जगह के लिए लोगों को बसें मिल रही हैं? हाँ, यहाँ से हापुड़ से मुख्य रूप से जो पैसेंजर हैं हमारे पास यात्री हैं वो है मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, बहराइच, गोड्डा। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक बस में कितनी सवारियां भेजी जा रही हैं? अभी जिला प्रशासन व्यवस्था करता है, हमारा काम है बस उपलब्ध कराना। अच्छा। हमारा काम है बस उपलब्ध कराना, वो सेंसिटाइज कराकर हम बस उपलब्ध करा रहे हैं। तो सर अभी तक कितने यात्रियों को आप लोग यहाँ से भेज चुके हैं? ये अभी डिटेल हमारे पास नहीं है, अभी हमें केवल बस संख्या, हाँ 40 बस अभी तक हम दे चुके हैं और बराबर ये संख्या जैसे उपलब्ध यात्री होगा हम उपलब्ध कराते रहेंगे। तो अन्य और कितनी व्यवस्थाएं और भी बसों की जरूरत पड़ती है? व्यवस्था तो बराबर बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।